आज हम लोग पढ़ेंगे फोर और फाइव के दो सिस्टम्स के बारे में, दैट इज इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम्स। इंडियन सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो इंडियन सिस्टम कुछ इस हिसाब से वर्क करता है। दिस इज वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक और टेन लैक। ओके, मैं कुछ कुछ को करोड़ और टेन करोड़ में भी आता है, बट विल कवर इन दिस वीडियो फॉर दैट अप टू लैक। सपोज टू बी जो इंडियन सिस्टम्स है वो कॉमा किस हिसाब से लेती है तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। सपोज टू बी आई एम टेकिंग द नंबर ओवर हियर, तो पहले तो क्वेश्चन आता है आपको जनरली कि आपको कॉमा पुट करना है, तो दिस इज वन टू थ्री, आपको पीछे से थ्री नंबर काउंट करके यहाँ पे कॉमा डाल देना है, फिर दो नंबर काउंट करके या फिर यहाँ पे कॉमा डाल देना है। इसका सीक्रेटली मतलब हो गया वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक एंड टेन लैक। जब उसको नंबर नेमिंग करेंगे तो इट इज वेरी वेरी इजी, ये हो गया 73 लाख। बॉक्स बनाना बहुत इजी है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। ये बॉक्स इसलिए बनाने के लिए बोल रही हूँ कि बहुत बार ऐसा आता है कि यू हैव टू राइट दिस नंबर अकॉर्डिंग टू द नंबर वाइज, सो बीच में कभी कभी 700 नहीं होता है या फिर 20 नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। सपोज टू बी मैंने यहाँ पे एक नेमिंग ली हुई है नंबर की नेमिंग, सो यहाँ पे हम लोग डालेंगे नंबर फॉर्मिंग करेंगे, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। So, 12 लाख लिखा है, सो आई विल राइट 12 लाख ओवर हियर। मुझे रफ में या फिर कहीं पे भी या फिर फेयर में आपको ये बना देना है। फिर 900 है तो 900 मैंने यहाँ पे लिखा, और ये जो 2 है वो मैं यहाँ पे डाल दी बिकॉज वो सिंपली 2 है। तो मैम ये जो बाकी सब जगह बची उस पर क्या करेंगे? जनरली आप जब नंबर फॉर्म करने बैठते हो तो आप नंबर ऐसे फॉर्म कर देते हो तो जनरली आपको एग्जाम में गलत मिल जाता है, क्योंकि आपने नंबर रीड किया तो उसका मतलब तो यही हो रहा है, तो बाकी के जो थाउजेंड्स है वो कहाँ गए? तो सिंपली आपको ये ऊपर टाइटल बना देना है, वहां पे नंबर फिट कर देना है जहां पे जो जिसका मतलब हो रहा है, और जो खाली स्पेस हो रही है वहां पे आपको जीरो डाल देना। सो आपका जो नंबर फॉर्मेट होगा वो कुछ इस हिसाब से होगा, और फिर आपको इंडियन सिस्टम हिसाब के से कॉमा लगा देना है, 1 2 3 कॉमा 1 2 कॉमा, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो कॉमा होता है वो 3 2 2 ऐसे जाता है। अभी बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम की। इंटरनेशनल सिस्टम इंडियन सिस्टम के कंपैरिजन में अलग तरीके से वर्क करता है। उसमें होता है वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड। आपको देखने से ही पता पड़ गया होगा कि ये तीन तीन के ग्रुप में वर्क करता है। सपोज टू बी एक नंबर लेती हूँ मैं, तो आपको यहाँ पे अगर कॉमा डालना है तो आप कैसे डालोगे? 1 2 3 कॉमा 1 2 3, इस हिसाब से कॉमा जाएगा। तो उसका नंबर नेमिंग क्या होगा? वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड। सो हम लोग उसका वर्ड नेमिंग कैसे लिखेंगे उसके बारे में बात करते हैं। 400 37,000 200 62 ओके, जब जब भी ये वाला स्पेस आएगा ना कॉमा के पहले, वहां पे आपको पहले 100 लिख ही देना है। अगर सपोज टू बी यहाँ पे दूसरा कोई नंबर होगा, मैं सपोज टू बी दूसरा नंबर यहाँ पे आपको डाल के बताती हूँ, सपोज टू बी ये है। सो आप जब भी 7 का ये स्पेस जो मैंने सर्कल किया हुआ, जब भी आप वहां पे पहुंचो नंबर नेमिंग करते टाइम, तो आपको पहले ही 100 डाल देना है। सपोज टू बी 734,000, क्योंकि यहाँ पे थाउजेंड वाला ग्रुप खत्म हो रहा है, फिर 623। सो एक्चुअली इंटरनेशनल सिस्टम की ये खासियत है कि एवरी टाइम इसका ये तीन तीन का ग्रुप होता है, जब तीन का ग्रुप खत्म होता है नया शुरू हो जाता है, तो वो जैसे ही शुरू होता है ना वहां पे 100 लगता है, 100 लगता है। वैसे भी अगर उसके आगे आप जाए तो मिलियन आता है, 10 मिलियन आता है, 100 मिलियन आता है। एक मैं आपको 100 मिलियन वाला एक बारी बताती हूँ। ओके, अभी देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन तक के नंबर। मैं यहाँ पे एक नंबर ले रही हूँ, पहले मैं उसको कॉमा डाल के देख लेती हूँ, 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा। सो मतलब यहाँ पे आपको पता पड़ गया होगा, तो यहाँ पे कॉमा 3 3 3 3 जाता है, मतलब पीछे से 3 नंबर काउंट किए और फिर 3 नंबर काउंट किए, फिर 3 नंबर काउंट किए। आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं यहाँ पे 1 डाल देती हूँ, ताकि आपको 3 3 का ग्रुप का फर्क दिखाई दिए।
अभी यहाँ पे मैं उसका नंबर नेमिंग करूंगी तो यहाँ पे 100 आएगा, ये मेक श्योर कर देना। यहाँ पे भी 100 आएगा, यहाँ पे भी 100 आएगा। सो जब नंबर नेमिंग करते टाइम आप लोग भूल जाते हो 100 लिखना, सो यहाँ पे आएगा 124 मिलियन। ये मिलियन ग्रुप है, ये 1000 ग्रुप है और ये वंस ग्रुप है। ओके, सो 124 मिलियन 600, देखो वापस से 100 आया, सो आई विल राइट 672,000, वापस से 100 आया, देखो 938, होपफुली गेट इट। अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। ओके, हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये जो नंबर नेमिंग है उसको नंबर में कैसे लिखते हैं। 100 मिलियन, सो 100 मिलियन यहाँ पे आएगा। ओके, क्योंकि 100 लिखा हुआ है, सो ऑब्वियसली आई हैव टू राइट इट अंडर द 100। फिर लिखना है 22,000, अभी 22,000 तो यहाँ पे आएगा। देन 19 यहाँ पे आएगा, जहाँ पे स्पेस बची वहां पे आपको जीरो डाल देना। सो मेरा जो नंबर फॉर्म होगा वो होगा 1000229। अभी इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से उसको कॉमा लगा देना, 1 2 3 कॉमा। यहाँ पे भी मैंने 1 2 3 कॉमा लगा दिया, 1 2 3 नंबर काउंट करके कॉमा लगा दिया। सो दिस इज योर नंबर 100 मिलियन 22,019। थैंक यू।